हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक डिप की रेसिपी लेके आई हूँ, सालसा डिप, जो बहुत ही यम्मी टेस्टी टैंगी होती है और बहुत ही फटाफट बन जाती है। चलिए सबसे पहले मैं आपको उनकी उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। एक देखिए मीडियम साइज़ का प्याज है और काटा हुआ है, आप बहुत बारीक, मैंने मेरा तो कटा हुआ, पर आप चाहें तो नॉर्मल पतला पतला भी काट सकते हैं। दो मीडियम साइज़ के टोमेटोज लिए हुए, एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम ली हुई है, 6 to 7 गार्लिक क्लोव्स हैं, 1 teaspoon चिली फ्लेक्स है, 1 teaspoon ओरिगैनो है, 1 cup ये देखिए अराउंड इतना हरा धनिया है, 1/2 teaspoon शुगर है, 1 teaspoon वाइट विनेगर है एंड सॉल्ट टू टेस्ट है। इसको हमें कुछ नहीं करना है, बनती बहुत ही इंस्टेंट है, फटाफट बन जाती है। तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालना है सब चीज़ों को, और इनको ग्राइंड कर लेना है। हम इन सब चीज़ों को इसमें डाल लेते हैं ग्राइंडर में। सबसे पहले हम अनियंस डाल लेते हैं, टोमेटोज डाल लेते हैं, हम कैप्सिकम डाल लेंगे, डाल लेते ये व्हाइट विनेगर। अगर आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है, आप सिंथेटिक विनेगर भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में, और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको हमने बहुत महीन नहीं पीसना है। हल मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, फिर आप देखिएगा कि मैंने इसको कैसे ग्राइंड करा है। देखिए मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है, ये देखिए आप, महीन बैटर नहीं बनाना है इसको। ये देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। ये हमारा हो गया, अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए अब हम इसमें निकाल लेते हैं बाउल में, आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है आप ये खुद देख लीजिएगा। देखिए हमारा ये हो गया, अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम सबसे पहले एक फाइनली चॉप ग्रीन चिली ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप देख लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 1 से 2 ग्रीन चिलीज कर लीजिएगा, मैंने 1 ग्रीन चिली डाली है। अब इसके बाद 1/2 teaspoon देखिए इसमें ओरिगैनो है और 1/2 teaspoon रेड चिली फ्लेक्स हैं, ये थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, और 1/2 teaspoon ये मैं डालूंगी शेजवान चटनी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सॉल्ट आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा हो कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ये डिप रेडी हो गई है, इसको हम नाचोस के साथ सर्व करेंगे तो मज़ा आ जाता है, और आप चिप्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप की डिप बनती है ये, आप बनाइए और बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी। चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी सालसा डिप रेडी हो गई है, आप इसको नाचोस के साथ ट्राई करिए, बहुत ही यमी लगती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आपने देखा कितनी जल्दी बन गई, तो आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं शाम को, आपको स्नैक्स टाइम पे या ड्रिंक्स के साथ आपको बनानी है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और बताइएगा कि कैसी बनी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।